अगर आप एक ढूंढ रहे हो फोन जो कि 30,000 के प्राइस के अराउंड आता हो और जिसमें कैमरा परफॉर्मेंस डिजाइन सब कुछ अच्छा हो, डिस्प्ले वगैरह, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। तो हे व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है सात्विक और आप देख रहे हो मुझे टेक्नोलॉजी एंड ट्रिक्स पे। तो चलो यार शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग वीवो V25 5G ब्लैक कलर वाले की अनबॉक्सिंग। क्योंकि मेरे को कलर चेंजिंग बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा लगा नहीं तो मैंने ब्लैक कलर ऑर्डर कर दिया था। तो उसकी रिव्यू, अनबॉक्सिंग, गेमिंग सारे, मतलब एक कंप्लीट वीडियो ये होने वाला है। तो चलो इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ चलते हैं। अगर बात करें अगर बॉक्स की, तो यहाँ पे एक सिंपल सा एक बॉक्स मिल जाता है जिस पर वीवो V25 लिखा हुआ है। साइड में भी हर जगह ब्रांडिंग है और पीछे की तरफ इसकी कुछ डिटेल्स लिखी हैं। 8GB 128GB वाला मॉडल है ये। कुछ प्राइस वाइज लिखा है यहाँ पे, ठीक है, आप ऑनलाइन देख लेना, आपको 2799 या फिर के अराउंड ही, ऐसे ही 30 के अंदर ही मिल जाएगा फ़ोन, अगर आपकी किस्मत अच्छी हो। कार्ड वर्ड लगा के आप और भी ऑफ ले सकते हो इस फ़ोन पर। सो बॉक्स ओपन करते ही यहाँ पर हमें एक हमें यहाँ पे फ़ोन देखने को मिल जाता है। ऑब्वियसली फ़ोन ऑर्डर करोगे फ़ोन मिलेगा, क्या बात कर दिया भाई, हाँ ठीक है। उसके बाद एक हमें TPU केस देखने को मिल जाता है, उसी के साथ साथ कुछ कागज़ पत्तू और उसी के साथ साथ हमें सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है दिल के शेप का, क्योंकि अब हमारा दिल तो हमारे पास है नहीं तो यही वाले से काम चला लेते हैं। टाइप सी केबल मिल जाती है चार्जिंग के लिए और उसी के साथ साथ 44W का चार्जर मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है फास्ट चार्जिंग को। सर ये था कुछ अनबॉक्सिंग और बॉक्स कंटेंट, बहुत ही सिंपल वीडियो रखा है, ठीक है। तो अब जंप करते हैं अपने डिजाइन के सेक्शन में और डिजाइन में बात करें इस फोन के बारे में। तो यार देखने में काफी स्लीक लगता है, आप देख सकते हो। यहाँ पे हमें पीछे ग्लास बैक देखने को मिल जाता है और जो कि मैट फिनिश में आता है और इस पे कोई भी फिंगरप्रिंट देखने को नहीं मिलते हैं। साइड में हमें यहाँ पे एक ग्लॉसी फिनिश देखने को मिलती है जो कि बिल्कुल एक लेटेस्ट ट्रेंडिंग आईफोन स्टाइल, काफी सिंपल स्लीक अच्छा देखने में लगता है। यहाँ पे एक पैटर्न सा बना हुआ है इस पे पीछे और कैमरा वैमरा भी काफी अच्छे से लगा हुआ है, कोई ऐसे कार्टूनिश नहीं लगता है, काफी प्रोफेशनल देखने में लगता है, स्लीक सेक्सी कह सकते हैं इसको। यू नॉच हमें देखने को मिलती है यहाँ पे इसमें, या फिर जो भी आप बोलना चाहो इसको बोल सकते हो, ऊपर की तरफ बिंदी लगी हुई है। यहाँ पे हमें साइड में थोड़े थोड़े बेजल्स देखने को मिलते हैं और डाउन साइड पे थोड़ा सा बड़ा चिन्ह है जो कि हल्का सा कम हो जाता तो बहुत मजा आता, बट कोई नहीं। और इसका जो प्रो वर्जन है उसमें हमें कर्व्ड ग्लास देखने को मिलता है, कर्व्ड डिस्प्ले है, बट इसमें हमें फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो उसी से अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाते हैं, अपने डिस्प्ले के सेक्शन पे। तो इसमें हमें 6.44 इंचेस की फुल HD AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि एक फ्लैट है। और जो इस पे कलर्स आते हैं ना यार, बड़े ही प्यारे आते हैं, बिल्कुल कलरफुल 4K वीडियो मैंने YouTube पे चलाया, आप YouTube पे और Netflix पे 4K वीडियो आराम से देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है, मतलब कलर्स वगैरह काफ़ी सारे अच्छे आते हैं, धूप वगैरह में भी काफ़ी एक अच्छी ब्राइटनेस हमें देखने को मिलती है। व्यूइंग एंगल्स होते हैं इस फ़ोन के वो आपको अच्छे देखने को मिलते हैं। लाइक काफ़ी अच्छा डिस्प्ले दिया हुआ है वीवो ने, यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम किया डिस्प्ले। और इन्हीं कलर्स के साथ साथ हमें यहाँ पे 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है इस डिस्प्ले पे। और यहाँ पे स्मार्ट स्विच का एक ऑप्शन दिया हुआ है जो अपने आप डिसाइड करेगा कि अब आपको 60Hz की जरूरत है, कब 90Hz की जरूरत है। और अगर अब हम बात करें बैटरी की, तो यहाँ पे हमें 4500mAh की बैटरी 44W के फ्लैश चार्ज के साथ देखने को मिल जाती है। बैटरी में काफ़ी अच्छा कमाल करा है वीवो ने और यहाँ पे हमें 30 मिनट के अंदर 61% चार्ज देखने को मिल जाता है। तो अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो जो कि नॉर्मली अपने फोन को ब्राउज करते हो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, गाने वाने सुनते हैं, रास्ते में ये सब करना, कॉल वॉल, मैप्स, मैसेज वगैरह करना, तो आपका पूरा एक दिन लास्ट करने वाला है फॉर श्योर इस फोन में, एक मीडियम या 30-40-50% ब्राइटनेस करने के बाद में, क्योंकि काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज किया गया है इस फोन को, काफी अच्छा ऑप्टिमाइज किया है। ऑप्टिमाइज पे आया तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन जो कि सॉफ्टवेयर सेक्शन का। सो इसमें हमें वीवो का फन टच OS 12 देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज किया गया है। काफ़ी कोई भी मुझे डिले, लैग, बग देखने को नहीं मिला है अब तक यूजर्स पे, जो स्वाइप्स वगैरह हैं, ऐप स्विच होता है, वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा काम किया गया है और ये एंड्रॉयड 12 पे बेस्ड है लेटेस्ट, और जो OS है वो काफ़ी अच्छी है। ऑल दो यहाँ पे हमें भर भर के ब्लॉटवेयर्स देखने को मिले हैं जिनको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर मुझे ऐसा लगता है अगर आप वो अनइंस्टॉल करने की फीचर दे रहे हैं तो अगर ब्लॉटवेयर आते तो कोई दिक्कत भी नहीं होती, क्योंकि इनडायरेक्टली ब्लॉटवेयर डालने से आपके फोन की कॉस्ट रिड्यूस होती है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। बात करें परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे हमें मीडियाटेक का डायमेंसिटी 900 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा काम कर रहा है इस फोन के साथ कंबाइन होके, इसके सॉफ्टवेयर के साथ मिलके काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस हमको देखने को मिल रही है। यहाँ पे हमें कोई भी इशू, लैग, डिले नहीं देखने को मिल रहा है ब्राउज वगैरह करने पे या गेमिंग वगैरह करने पे भी। यहाँ पे मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी खेला वेरी हाई सेटिंग और हाई फ्रेम रेट पे, यहाँ पे हम मैक्स पे नहीं जा सकते हैं वेरी हाई सेटिंग पे, बट वेरी हाई सेटिंग और हाई फ्रेम रेट्स पे जा सकते हैं, ठीक है।
ऑफ ड्यूटी खेला और काफी अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिला, काफी अच्छे ग्राफिक्स आ रहे थे, कोई लैग देखने को नहीं मिल रहा था और कोई भी हीटिंग इश्यूज मुझे नहीं मिले इसके अंदर। लगभग मैंने 20 से 25 मिनट खेला, एक दो तीन मैच खेले लगभग, और मुझे कोई भी हीटिंग इशू देखने को नहीं मिला। और यहाँ पे हमें गेमिंग मोड का भी ऑप्शन मिलता है जिसमें आप भी कस्टमाइज कर सकते हो कि आपको बैलेंस परफॉर्मेंस चाहिए, हाई परफॉर्मेंस मोड चाहिए, और ई स्पोर्ट्स मोड भी एक दिया हुआ है इसमें जिनको आप डिफरेंट टाइप से यूज कर सकते हो, टेस्ट एंड ट्रायल कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे, जिस भी तरह की आपको परफॉर्मेंस चाहिए इस फोन से, आप उन सबको सेटअप करके आप एक अच्छी गेमिंग और परफॉर्मेंस निकाल सकते हो, एक अच्छा आउटपुट निकाल सकते हो गेमिंग। और अब मोस्ट अवेटेड चीज, इसके कैमरे के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको बैक में 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस और 8 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी दो और लेंस देखने को मिल जाते हैं, जो कि पहले बता दूं सबसे पहले कि मैक्रो शॉट लेंस और बेटर हो सकता था, कोई काम का नहीं है, और यूज केस जो मैक्रो शॉट है वो भी इतने अच्छे आते नहीं है। बाकी प्राइमरी कैमरा बहुत अच्छा है और वाइड एंगल में भी डिटेल्स जो बहुत अच्छी आती हैं। ये फुटेजेस हैं जो आप देख पा रहे हैं इस टाइम पे, ये मैंने प्राइमरी कैमरे से ली हुई हैं। डे लाइट में आप देख पा रहे हो कितनी अच्छे से एक डिटेलिंग की गई है, कि जैसे कलर्स यहाँ पे हमें इसमें देखने को मिल पा रहे हैं। तो बेसिकली वीवो के फ़ोन में मुझे नहीं लगता कैमरे पे हमें डाउट भी करना चाहिए। आई गेस अगर ये थोड़ा सा मिड रेंज आप प्राइस में जाते हैं तो मुझे लगता है वीवो ओप्पो ये सब बहुत अच्छा काम करते हैं कैमरे में। सो कैमरा डिस्प्ले सेंट्रिक फ़ोन होते हैं ये, ठीक है। तो और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं इसके में, जैसे कि बात करें अगर इसके नाइट मोड की, ट्रस्ट मी ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल अंधेरे में ली गई है और बिल्कुल पूरा रात थी और मैंने खुद ली है, ठीक है, और मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ था कि ये फोन नाइट मोड से ली गई है, मतलब इतनी रात में। तो अगर थोड़ी सी भी लाइट हमें देखने को मिल रही है और इसके नाइट मोड से आप लेते हैं तो ये एक बेस्ट फोटो आपको निकाल के दे पाएगा नाइट मोड के अंदर। तो अगर बात करें और कुछ इसके फीचर्स की, तो हमें इसमें OIS और EIS मिल जाते हैं, यानी कि वीडियो रिकॉर्डिंग में हमें जब हम मूवमेंट करते हैं अपने फ़ोन का तब हमें हेल्पफुल होता है, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। और काफ़ी सारे टेस्ट किए, काफ़ी सारी फोटोज़ वगैरह देखी आप इस वक्त भी देखते हुए आ रहे हैं, मैंने एडिट में डाली होंगी फोटोज़ वगैरह। तो काफ़ी अच्छा कैमरा है एक, और पोर्ट्रेट मोड बहुत अच्छे से काम करता है, डिटेलिंग वगैरह बहुत अच्छे से कैप्चर करता है। और बात करें अगर इसके फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे हमें 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, लिटरली बहुत अच्छी फोटोज़ आती हैं इसके फ्रंट कैमरे से। मैं खुद चौंक पाता क्योंकि जो डिटेलिंग्स आती है, लाइक आदमियों की डिटेलिंग, अगर आपको कैमरा चेक करना है तो आदमी किसी भी आदमी की दाढ़ी की या किसी के ऐसे बिखरे बाल हो तो उसकी खींचो, और अगर उसकी डिटेलिंग्स अच्छी आ रही है तो मतलब कैमरा अच्छा है। कुछ और कैमरा शॉट्स हैं, आप देख सकते हैं इनके बारे में और आइडिया ले सकते हैं कैसा है। तो बात करें अगर इसके कंक्लूजन के बारे में, अब आपको ये लेने का मन बना ही लिया है, तो अगर आपको ये मिल रहा है 27 से 28 हज़ार के प्राइस पे और आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जो कि देखने में अच्छा हो, जिसका कैमरा अच्छा हो, जिसकी डिस्प्ले अच्छी हो, परफॉर्मेंस भी अच्छी हो, और आपको एक डेली यूजेस के लिए फ़ोन चाहिए, मतलब आप एक बहुत ज़्यादा कुछ परफॉर्मेंस सेंट्रिक नहीं करते हो, तो ये आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकता है मेरे हिसाब से। क्योंकि इसमें कैमरा बहुत अच्छा है, इसकी डिस्प्ले अच्छी है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, इसमें बैटरी बैकअप अच्छा है और डिज़ाइन तो अच्छी है ही। तो अगर ये सब आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं अपने फ़ोन से लेके, आप एक फ़ोटो सेंट्रिक भी फ़ोन लेते हो, क्योंकि नॉर्मल यूज़र आई गेस फ़ोटो डिस्प्ले का ही काम होता है उसको, बाकी और स्पीकर्स वगैरह अच्छे हों, तो अगर आपको वो है तो आप इस फ़ोन के साथ ज़रूर जा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आके परचेज कर लेना इस फ़ोन को। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगा, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट वीडियो कैसे लगा, चैनल देंगे तो कर लो, तो बहुत जरूरी है।